सभी साथियों को जय आरसीएम। और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और अब धीरे धीरे सर्दियां शुरू हो गई है और मौसम के जो चैलेंजेस रहते हैं उनसे आपको अभी रूबरू होने का मौका मिलेगा। बहुत सारे साथी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और मैं कई सारे साथियों को देख पा रहा हूं कि वो एकदम उनको देख के ही पता चल रहा है कि वहां सर्दी है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं और अब लगातार मिलेंगे, कोई गैप नहीं रहेगा। एक किताब अभी पढ़ रहा था, मैंने मंगवाई थी, दीपक बजाज जी की एक नई बुक आ गई है ये, और इसमें लिख रहा था कि सफलता बोरिंग होती है। तो ऐसे ही ट्रेनिंग मीटिंग्स थोड़ा ऐसी होती है कि मीटिंग है, चलो इसमें क्या चलना क्या बताएंगे, हर बारी तो रहती है। तो आप सभी अपनी टीम को कनेक्ट कर लीजिए जिससे उनसे बातचीत की जा सके। हम बातचीत करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, बहुत सारी बातें आज आपसे करनी है। देखिए, भगवान ने हमें बहुत सारी क्षमताएं दी हैं, बहुत सारी, बोलने की, सुनने की, देखने की। और हम सब कई सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो लिख पा रहे हैं। आप सोच के देखो कि कितनी असीम हमें ऊपर कृपा है कि इतना अच्छा काम हमें मिला है। एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, फिर भी चाहे वो कोलकाता हो, आगरा हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, खुर्जा हो, पहासू हो, कोसी हो, कहाँ कहाँ के साथी हम मिल पा रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये शायद ईश्वर की ही कृपा है। तो सबसे पहले ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब यदि अपनी क्षमताओं को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो शायद हम भगवान का निरादर कर रहे हैं और हमें अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हम कर क्यों नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हम सभी जिंदगी तो जीना चाहते हैं पर हम सब हैबिट ऑफ एडजस्टमेंट में आ गए हैं। हम सब जानते हैं कहाँ से जिंदगी जीना, तो वो जिंदगी चाहते हैं जो सबसे ऊपर है, पर जी वो रहे हैं जो सबसे नीचे वाली है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा सर कि थोड़ा सा हमें बदलने की जरूरत है। गाड़ी है, दोनों ही कोचेज होते हैं, एसी वाला भी, जनरल वाला भी, स्लीपर वाला भी। हम यदि अपने आप को कुछ तरक्की करना चाहें तो ये 2-3 इंच का गैप होता है, इसको गैप को कवर करने में ही सालों बीत जाते हैं। तो आप सभी अपने सपने जगा लीजिए कुछ आगे बढ़ने के लिए कि भाई मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डाटा, जो डाटा बोल रहा है 2020 से 2022 तक आरसीएम जो है इंडिया में सेकंड पोजीशन पे है और ग्रोथ के मामले में नंबर वन है। 28.91% की ग्रोथ हम लगातार हम कर रहे हैं, ये मिनिमम ग्रोथ है। और वो भी तब जब हमने 2013 से बिल्कुल जीरो से काम शुरू किया था आरसीएम ने, और 2013 से आप लगा लीजिए, अभी हम 2023 में इंटर नहीं किए हैं, 10 साल पूरे नहीं हुए, 9 साल हुए हैं, तब हमारी ये फास्ट ग्रोथ चल रही है। आप इमेजन करिए, आप कल्पना कीजिए कि 2025 में हम कहाँ जा सकते हैं। थोड़ा मैं आगे चलता हूं सर। देखिए, हमारा प्लान बिल्कुल सिंपल है। सीधी बिक्री, बीच के जो बिचौलिए हैं उन्हें हटाएं, और ये सीधी बिक्री 1959 से अमेरिका में चल रही है। 1975 से इन्होंने गाइडलाइन ले ली थी यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर, और इतना तेजी से काम चल रहा है कि बस पूछो मत। और इंडिया इस समय बहुत तेजी के साथ उभर रहा है, क्योंकि 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आ गई थी और अभी लास्ट से लास्ट ईयर हमें एक डायरेक्ट सेलिंग का सेंट्रल का जो कानून है वो भी आ गया था। तो हमें बहुत मान्यता मिली है, क्योंकि अब ये इतना बड़ा काम हो चुका है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो चुकी है कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहें डायरेक्ट सेलिंग की, तो वो यूनिवर्सिटी भी पढ़ाना चालू कर दिए हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि हमारा मार्केट जो साइज है वो कितना बड़ा हो सकता है। थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा कितना बड़ा हमारा मार्केट साइज है और हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि दो ही काम करने हैं आरसीएम में, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है। खरीदारी के तरीके में बदलाव है आरसीएम, और व्यापार करने के तरीके में बदलाव है। बहुत सारे लोग तो व्यापार पहले भी कर रहे होंगे, पर ये थोड़ा सा बदलाव है व्यापार करने का। और खरीदारी का तरीका, खरीदारी तो आप पहले भी कर रहे होंगे, बस अब थोड़ा सा बदलाव है। और आरसीएम में करना ही क्या है। और थोड़ा आगे चलता हूं, ये जो मैं प्लान पहले ही बता चुका हूं आपको कि ये 65 लाख करोड़ का रिटेल का कारोबार है। यही वजह है आज विशाल मेगा मार्ट, जियो मार्ट, और आपके शहर में भी बड़े बड़े मॉल खुल रहे होंगे, वो रिटेल के खुल रहे हैं। सोच के देखिए, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट साइज कितना बड़ा है। आरसीएम का सीधा सा मतलब है 65 लाख करोड़ का कुछ परसेंट। आप सोच के देखिए, यानी 32 लाख करोड़ रुपया बिचौलियों के पास जा रहा है।
आरसीएम क्या चाहता है? आरसीएम क्या चाहता है? आरसीएम आपको मालिक बनाना चाहता है, जो पैसा बिचौलियों में जा रहा है। आप सोच के देखिए, 32 लाख करोड़ रुपया जो बिचौलियों में जा रहा है, कितना बड़ा मतलब मौका है। ये पैसा हमारे बीच से अब तक जाता आ रहा था, पर यदि हम सबने एकजुट होकर इस ताकत को समझ लिए, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, केवल 10% लोग भी जो पुरानी व्यवस्था से आरसीएम में आगे, पूरे हिंदुस्तान के लगभग आज 130-35-40 करोड़ लोग हैं, उनका 10% भी आ गए, तो आप सोच के देखिए, 65 लाख का 10% 6.5 लाख करोड़ होता है मुकेश जी, 6.5 लाख करोड़। यदि ये इतना टर्नओवर हो गया सर, अब बताइए इससे बड़ा पैसा कहीं और आ सकता है क्या? वो भी बिना रिस्क के। हमारा और आपका रिस्क क्या है? जीरो, नील बटे सन्नाटा, कोई रिस्क ही नहीं है। हमने थोड़ी लगाना है, आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि अब हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेके माहौल बदल रहा है, और ये माहौल, क्योंकि अब सोचने का समय नहीं है, अब काम करने का समय है। बहुत सोच लिया, 10 साल 5 साल 20 साल से आप आरसीएम का नाम सुन रहे हो, आप भी लगे हुए हो, पर अब काम करने का समय है। बड़े बड़े टाई अप हो रहे हैं, कंपनी की बड़ी तैयारी है, आज मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अब एजुकेशन में जा रही है। लोग पढ़ाई लिख के आएंगे, वो किसके साथ जुड़ेंगे? क्योंकि जिंदगी में बड़ा पैसा और बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो बदलते हुए ट्रेंड के साथ अपनी बिजनेस को, अपने काम धंधे को समझते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से अब कोई बचने वाला नहीं है, ये भविष्य बता रहा है। क्योंकि ये क्यों नहीं बचेगा, उसके पीछे दो रीजन है सर। हर व्यक्ति को ऐसे काम की तलाश है जिसमें सिक्योरिटी ऑफ वर्क हो, सिक्योरिटी ऑफ इनकम हो, कोई बॉस ना हो, कोई टेंशन ना हो, गुड हेल्थ हो, नेम फेम एंड रिकॉग्नाइजेशन हो। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, यस यस सर, गुरुदेव। ठीक है, ठीक है, कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा तो मैं चुप हो गया, मैंने कहा चलिए। नहीं नहीं, गुरुदेव जी, गुरुदेव जी, गुरुदेव जी, ओके ओके। तो हमें नेम फेम और मान सम्मान हमें मिल सकता है, विशेष फ्रॉम अदर्स। आज कोई बर्थडे हो डॉक्टर लखनलाल जी का, तो पता नहीं कहां कहां से फोन आ जाते हैं। आरसीएम से पहले तो वही डॉक्टर साहब है, आरसीएम से पहले तो वही जगदीश कबीरा है, कोई जानता थोड़ी था मुकेश जी को, पर आरसीएम की वजह से जगह जगह से एक दूसरे से नाम पहचान मौका मिलता है, टाइम फ्रीडम मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। आप बताइए किसको नहीं चाहिए ऐसा काम, और वो भी बिना किसी रिस्क के। आरसीएम इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच फॉलोज ऑल दीज पॉइंट्स। आरसीएम ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ये सारे पॉइंट्स जो है एक ही सिस्टम में कवर होते हैं। जॉब से कवर, किसी जॉब से होने वाले नहीं है, क्योंकि वहां कोई ना कोई बॉस रहेगा, वहां विशेष फ्रॉम अदर्स नहीं हो सकता, वहां टाइम फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ वर्क नहीं है, आरसीएम में है। उसके बाद मैं थोड़ा आगे चलता हूं, आरसीएम का परिचय देना चाहता हूं आपको। जब आरसीएम चला था आज से 22-23 साल पहले, तो एक प्रोडक्ट था, पीयूसी नो पीयूसी, डिपो नो डिपो, वेंडर कोई हमारे साथ टाई अप नहीं था, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, एक टर्नओवर जीरो, कोई ढांचा हमारा जो इतना मजबूत थोड़ी था जितना आज है, ग्रोथ रेट बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो, गवर्नमेंट की गाइडलाइन कुछ भी नहीं, बस भगवान भरोसे चल रहे थे जब चले। पर अभी की डेट में प्रोडक्ट 900 से ज्यादा हो चुके हैं, 13,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर हो चुके हैं, 125 से ज्यादा डिपो हो चुके हैं। हमें जो वेंडर जो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, 100 से ज्यादा लोग हैं जो हमें सप्लाई कर रहे हैं, आज 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ हैं, 2500 करोड़ के आसपास हमारा टर्नओवर है। आज हमारा ढांचे की बात करूं तो आप सोच के देखिए कितना मजबूत स्ट्रक्चर आज आरसीएम खड़ा कर चुका है। हर जगह आज जिले में, तहसील में आपको दुकानें मिल जाएंगी, एक कामयाब लीडर मिल जाएगा आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, कि जी इस ये आरसीएम से कमा रहा है। आज 28.9 के ग्रोथ रेट से आरसीएम आगे बढ़ रहा है, आज गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है। अब आपको 2025 में लेके चलूं तो अपने आप बताइए कितने प्रोडक्ट हो जाएंगे, कितने पीयूसी, कितने डिपो, कितने और सारे डिस्ट्रीब्यूटर। आपकी टीम की नहीं, मैं पूरी आरसीएम की बात कर रहा हूं, सोचो ना आरसीएम कहां जाने वाला है। पर आप कहां जाओगे ये तो आप ही तय करोगे, कोई दूसरा कौन है तय करने वाला, ये तो भविष्य है। आप सोच के देखिए, 9 साल में हम यहां आ लिए, 10 साल में हम यहां आ लिए, इस समय जो काम चल रहा है इतनी तेजी से चल रहा है, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। अब तो प्रोडक्ट आ जाता है, पता बाद में चलता है, अच्छा ये भी आ गया, तो ये तैयारी चल रही है आरसीएम की। और तैयारी बता देता हूं आरसीएम का काम क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स वाजिब दाम में देकर भारत के आम ग्राहक को आरसीएम से जोड़ना, ये आरसीएम की तैयारी चल रही है। हर वो छोटा प्रोडक्ट, सोचो ना बूट पॉलिश आ गई, सोचो आप, सोच सकते थे क्या?
आ जाएगी। 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल के द्वारा घर घर में आरसीएम को पहुंचाना, आरसीएम के प्रोडक्ट को पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट मिल पाए ऐसी सुविधाएं देना, ये हमारा उद्देश्य चल रहा है सर। बाजार के हर प्रोडक्ट को आरसीएम में लाना, ये हमारा उद्देश्य है। आज हमारी लड़ाई ये नहीं है आरसीएम चलेगा नहीं चलेगा, आज हमारी लड़ाई ये है कि हर प्रोडक्ट कोई बचे ही ना। जो सुनील शर्मा जी बोलते थे कि सुई से लेके जहाज तक, भैया सब आएगा, आप अपना नेटवर्क बना लो। ये रुकी इस वजह से रहेगा, आपका नेटवर्क अभी तैयार नहीं है। 1 लाख वंडर वर्ल्ड क्विक ओपन करवाना, सोच के देखो आप। एक एक शहर में बड़े बड़े मॉल्स होंगे, बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े मॉल होंगे, आप घुमाने ले जाओगे, नीचे से घुसोगे तो एक फ्लोर पे आपको कपड़ा मिलेगा, उससे ऊपर वाले फ्लोर पे आपको खाने पीने का आइटम मिलेगा, उससे आपको ऊपर वाले फ्लोर पे फुटवेयर मिलेगा, और सबसे ऊपर फ्लोर पे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, और उससे ऊपर आप सेमिनार करोगे। लोग सेमिनार से उतर के आएंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, आते हुए कपड़े पहनेंगे, सामान लेते हुए जाएंगे, और आपका लाखों का बिजनेस होने वाला है। ऐसी तैयारियां चल रही हैं, जगह जगह ऐसे वंडर वर्ल्ड खुल रहे हैं। चाहे अभी दिल्ली में खुला है बहुत बड़ा, सादरा के अंदर बहुत बड़ा, जबरदस्त उस पे फैशन शो हुआ, जबरदस्त झांकी आपने देखी हो तो। अब जगह जगह ऐसे खुलने जा रहे हैं दोस्त, अब कहीं ऐसा ना हो पीछे रह जाओ। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डिपो खोलना, ये आरसीएम की तैयारी चल रही है कि हर जगह डिपो आ जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो प्रोडक्ट को डिलीवरी को लेके, लोगों को प्रोडक्ट पहुंचे, ये तैयारियां करने में लगा हुआ है आरसीएम। आज हमारा टारगेट है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट का टर्नओवर मैंने बताया 65 लाख करोड़, उसका कुछ हिस्सा हम भी चाहते हैं आरसीएम में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए आरसीएम तैयारी कर रहा है सर, लोगों तक रियल और एथिकल डायरेक्ट सेलिंग को पहुंचाना, और वो भी सही एजुकेशन के साथ। आज यूईएस चैनल पे आप जाओगे तो हमें समय समय पे एजुकेशन मिलती है। आज बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं सर, 60,000 से ज्यादा सेमिनार एक साल के अंदर आरसीएम कर रहा है। सोच के देखिए ये किस दिशा में जा रहा है। किसी सेमिनार में टिकट नहीं मिलती, किसी में वेन्यू छोटे पड़ रहे हैं, कहीं एंट्री नहीं हो पा रही लोगों की। सोच के देखो ना, अभी ये हालत है तो 2025 के बाद क्या होने वाला है। और एक आम उपभोक्ता तक यानी आप तक बिना पूंजी लगाए हजारों करोड़ की कंपनी में 45% की पार्टनरशिप व संतुष्ट उपभोक्ताओं का नेटवर्क तैयार करना, ये है आरसीएम की तैयारी। हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं तेजी के साथ। आप कहीं पीछे ना रह जाएं। आप समझिए, पुरानी व्यवस्था आपके सामने है दोस्त, जो व्यवस्था में आप जाते थे, अभी कितनी जीरो है देख लीजिए, गिन लीजिएगा। ये लोग सेल कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग आप सोचिए क्या कर सकती है सर, क्या कर सकती है। आज आपका पड़ोसी किसी दूसरे साबुन से नहा रहा है, सोचो जिस दिन उसे आरसीएम की पावर समझ में आ गई, वो किसके साबुन से नहाएगा, किसके साथ जुड़ेगा। कोई छूटने वाला नहीं है। आप देखिए, सबको आपकी कामयाबी का इंतजार है। कुछ फैक्ट्स बता देता हूं आरसीएम के बारे में थोड़ा सा। आज 22 साल का हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, लगभग 43-44 साल का हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अनुभव है। आज हमारे पास इतने सारे जरूरत के प्रोडक्ट हैं, किस किस रेंज के प्रोडक्ट हैं सब आप जानते हो। आज हमारे पास स्टेबल ग्रोइंग वेल रेपुटेड इमेज है मार्केट के अंदर। आज लोग जानते हैं आरसीएम को कि भाई हाँ, आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। आज लोग बोलने लग गए कि भाई अब तो मैं भी जुड़ जाता हूँ, बहुत साल हो गए तो पुरानी कंपनी है। आज हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, आज हमारे पास एक मजबूत अपलाइन है, इतना सब बढ़िया है डॉक्टर साहब, सब मुकेश जी इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है डॉक्टर संजीव जी, इतना बढ़िया है, तो फिर लोग फेल क्यों हो रहे हैं, लोग फेल क्यों हो जाते हैं, कुछ तो कारण होगा। आइए उन चीजों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि समय कम है और बातें ज्यादा हैं। पहला कारण, आरसीएम में लोग फेल क्यों होते हैं, इतना बढ़िया सब कुछ है और इतनी बढ़िया तैयारी चल रही है, उसके कुछ कारण है। कारण नंबर वन है, वो इस बिजनेस को सीरियसली करते ही नहीं है, मूड के हिसाब से करते हैं। मूड अच्छा तो जय आरसीएम, मूड खराब तो जा आरसीएम। ऐसे करेंगे तो भैया आरसीएम तो चलने वाला नहीं है। आरसीएम क्या, कोई भी धंधा चलने वाला नहीं है, नौकरी चलने वाली नहीं है, दुकान चलने वाली नहीं है, पढ़ाई होने वाली नहीं है, कुछ होगा थोड़ी। जब मूड के हिसाब से पढ़ोगे, मूड के हिसाब से स्कूल जाओगे, मूड के हिसाब से दुकान खोलोगे, तो कोई धंधा चलने वाला नहीं है। और ज्यादातर लोग इस वजह से फेल हो जाते हैं, वो मूड के हिसाब से काम करते हैं। मूड अच्छा तो जय आरसीएम। आगे चलता हूं थोड़ा सा। कारण नंबर दो, वो आरसीएम को अपना बिजनेस ही नहीं समझते, वो अपलाइन का बिजनेस समझते हैं मुकेश जी। वो ये समझते हैं मैंने कुछ किया और अपलाइन बना करोड़पति, और वो बस इसी चक्कर में खुद के कुल्हाड़ी मार लेते हैं और अपना भी नुकसान कर लेते हैं। अरे मेरे भाई,
अपलाइन को 2 पैसे तब आएंगे जब तेरी जेब में 5 रुपए आएंगे। सोच के देखो कितना खूबसूरत बिजनेस है। तो अपलाइन तो आपको हमेशा सपोर्ट ही करने का प्रयास करेगा हमेशा। तो इतना बढ़िया बिजनेस है, इसको अपना बिजनेस समझ के करें, ना कि अपलाइन का बिजनेस। यदि मैं ये सोच लूं कि ये जूम मीटिंग मेरी अपलाइन जिसने मुझे जोड़ा था वो ही करेगा, फिर तो मेरा उद्धार हो जाता। अपलाइन का नहीं, खुद का बिजनेस, आपके कोड से आपका बिजनेस शुरू होता है। ये बात बहुत साल पहले हमारी समझ में आ गई थी। उनके खुद के सपने नहीं होते, पूरे हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो जाए तो भी बढ़िया। तो वैसे रवैये से काम करते हैं तो शायद वो सब बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। सर अगला कारण है सर, वो अपने मन के भीतर शर्म महसूस करते हैं आरसीएम के बारे में बात करने से, चर्चा करने से, कि लोग क्या कहेंगे। दोस्त आज महेश जी जैसे रेपुटेड व्यक्ति, आज संजय शर्मा जी हैं, ब्रतन वत्स जी हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग टीम में हैं, और भी बहुत सारे, नरेश कुमार नागर जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संजीव जी, सुदेश मास्टर जी हैं, बबलू चौधरी जी हैं, डॉक्टर लखन, इतने, और मैं किस किस का नाम लूं, इतने अच्छे अच्छे लोग आज टीम में हैं, उन्हें शर्म नहीं आ रही, पर कुछ लोगों को शर्म आ रही है। लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, जब जरूरत पड़ने पर रिश्तेदारों से पैसा मांगते हैं, जब जरूरत पड़ने पर कई बार हमें असहज महसूस होता है, उस समय शर्म नहीं आती क्या। आरसीएम में कैसी शर्म, अपना काम ही तो कर रहे हैं, काम करने में कैसी शर्म। मैं थोड़ा आगे चलता हूं, वो प्रोडक्ट सेलिंग को ही बिजनेस मान लेते हैं कि आज मैं ये बेच आया हूं, बस यही काम है और कुछ काम ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि इसके भीतर क्या है, ये प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं है, और बहुत कुछ है इसके अंदर, गहराई से जाने की जरूरत है। फील्ड में अधूरी जानकारी के साथ उतरते हैं। मुकेश जी, मेरी आवाज सही आ रही है? यस सर, यस गुरुदेव जी। ओके। फील्ड में अधूरी जानकारी से उतरते हैं, या तो वो अपलाइन के इंतजार में रहते हैं कि वो आ जाए तो मैं उनके साथ निकलूं, वो ही चलाएगा, मेरी नैया पार कौन लगाएगा, मेरा अपलाइन। यदि इसी इंतजार में बैठे रहेंगे तो अपलाइन भी आपके पास तब तक आ रहा है जब तक उसके पास आपके अलावा कोई है नहीं। जिस दिन उसे मिल गया, वो अपना फोकस किसी और दिशा में लगाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति, आप हो चाहे वो कोई भी, वो व्यक्ति समय वहां लगाएगा जहां उसे उसके समय की वैल्यू दिखाई देगी। तो मैं तो आपसे कहूंगा, ना रहे केवल अपलाइन के इंतजार में कि वो ही आए तो ही मेरा प्लान दिखाए, वरना आपका बिजनेस वहीं की वहीं स्टेबल रह जाएगा। कारण नंबर अगला 7, अभी तुरंत रिजल्ट चाहिए, अभी बिना कुछ किए। आप बताइए, बार बार पूछते हैं कई लोग डॉक्टर साहब हमसे कि गुरु जी कितने पैसे आएंगे अब की बार। अरे भाई, कुछ करो तो सही। आप यदि 100 रुपए का सामान लाए हो तो क्या चाहते हो, 5,000 रुपए आ जाए। यदि आप 2,000 रुपए का सामान लाए हो तो क्या समझ रहे हो, 2,00,000 रुपए आ जाए। यदि आप डायमंड क्लब कर दिए हो तो क्या समझ रहे हो, 50,000 रुपए आ जाए। मार्केट में आप दुकान खोलते हो ना, तो मार्केट में भी यदि चाय की दुकान भी खुली है ना, तब वो 40 चाय बेचेगा तो जाके उसे कुछ अठन्नी चवन्नी बचेगी, वरना तो वो अपनी जेब से ही देगा। थोड़ा मैं आगे चलता हूं सर। yes. कारण नंबर 8 फेल होने का, वो अपने मन के भीतर 2-2, 3-3, 4-4 विचार लेके चलते हैं, कई सारी कंपनियां लेके चलते हैं, कई सारे काम लेके चलते हैं कि इससे भी आ जाए, उससे भी आ जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, फिर वो कहीं का भी नहीं होता। जैसे कुछ होते हैं ना कि सबके सब में उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं किसी स्पेशल चीज में। हमें अगर आरसीएम मिल गया है और अपने वर्तमान काम के बराबर इनकम आने लग गई है तो उसकी वैल्यू कीजिए। यदि वैल्यू करें, हमने भी की थी, एक दिन डिसीजन लिया था और हमने फोकस होके उसको कर दिया तो हमारा बेड़ा पार हो गया। और यदि हम ही डाउट में रह जाते, सोचो आप इस डाउट में हो कि गाड़ी का ब्रेक लगाऊं या स्पीड लगाऊं, तो फिर तो कुछ गाड़ी कंफ्यूज हो जाएगी। तो कई लोग ऐसे कंफ्यूज में वो फिर डिसीजन नहीं ले पाते और लेट होते रहते हैं। ज्यादा लेट भी नहीं होना, ज्यादा लेट आपको ज्यादा पीछे कर देगा। थोड़ा मैं आगे चलता हूं, वे खुद को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत ही नहीं कर पाते। कई बार लोगों को साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल हो जाते हैं, बिना ड्रेस के, बिना टूल किट के, बिना अपलाइन के, बस जुड़ जाओ। उनका काम, कई लोगों का काम था, बस जुड़ जाओ। आज गुरु जी मैंने 2 जॉइनिंग करवा दी, उसके बाद हो सकता है उसके अगर होम मीटिंग ही कोई नहीं करता, ना अपलाइन ना कुछ, तो वो फिर वो लोग जुड़ते हैं, अगले महीने फिर
जय आरसीएम। उसका रीजन क्या है कि हम लोगों के केवल लोगों को जोड़ने के बिजनेस में नहीं है, आप एक परिवार को जोड़ते हैं, इसका मतलब उस परिवार को घर में आप जब तक 3 होम मीटिंग नहीं कर लें तब तक आपको उसे ज्वाइन नहीं समझना। कितनी मीटिंग? 3 मीटिंग। होम मीटिंग उसके घर पे जाके आप करके देखिए, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। पहली बार में तो वो थोड़ा पॉजिटिव होगा, दूसरी बार में उसकी फैमिली पॉजिटिव होगी, तीसरी बार में वो आरसीएम समझने के लिए तैयार होगा। पर हम इतनी मेहनत करें कौन, हमें तो अगला जोड़ना है ना, अगला जोड़ना है ना। आप सोचो ना, पिछले 3 साल से कितने लोग जोड़ दिए, पिछले 2 साल से कितने लोग जोड़ दिए, पिछले 6 महीने में कितने लोग जोड़ दिए, पिछले 3 महीने में आपने कितने लोग जोड़ दिए, वो कहाँ है, वो पता है कहाँ गए, जहां से आए थे। अब वो बोलेंगे मैंने भी किया था आरसीएम, तो हमने नेगेटिव माहौल तैयार कर लिया। मैं थोड़ा आगे चलता हूं। कारण नंबर 10, वो वास्तविकता में बिजनेस पर भरोसा ही नहीं करते। उन्हें डाउट है कि इस बिजनेस से लाख रुपए महीना आ जाएगा, उन्हें डाउट है 50,000 आ जाएगा। ये डाउट उन्हें ना तो इधर का रखता ना उधर का रखता, ना जिंदे में ना मरे में, ना वो कर ही रहे हैं ना उनसे हो ही पा रहा है। क्योंकि शक शक तो किसी पे भी करो, उसका कोई इलाज नहीं है। वास्तविकता में भरोसा करिए कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी बदल सकता है। मन्नू कुमार जी ने भरोसा किया था, कलकत्ता से अकेले चले थे, और आज कारवां उनके लिए सैल्यूट करने के लिए तैयार है, अपलायन भी उनके लिए सैल्यूट करने के लिए तैयार है, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस खड़ा करने के लिए तैयार है। मुकेश जी आपके सामने हैं, आपके सामने डॉक्टर लखनलाल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वो केवल इस बात से है कि वो उन्हें भरोसा है इस बिजनेस के ऊपर। भरोसा रखोगे तो काम अपने आप बढ़ता है। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको 10 लोगों ने ना कर दिया, बस वहीं फैल जाते हैं, भैया ये लोग ना बोल रहे हैं, वो अपलायन भरोसे हैं और उनका नाम है राम भरोसे, चल जाए तो ठीक, ना चले तो ठीक। अनमने अटपटे मन से मत करो, इसे ढंग से करने की जरूरत है दोस्त। कारण नंबर 11, थोड़ा आगे चलता हूं। वो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, घर से निकलते हैं तो कैलकुलेशन करके निकलते हैं, इतने का चेक आएगा, इतने की सीएनजी लगेगी, पहले कोई 10 लोग मुझे गुरुजी बोले तो मैं निकलूं, वरना मैं नहीं निकलूं। पर दोस्त, अच्छे लोग आपको कई बार बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, कई बार जाना पड़ेगा। कैलकुलेशन यदि काम में आती तो हम पहली बार कलकत्ता गए थे, मन्नू जी के परिवार से मिले, उनके पिताजी माताजी से मिले, पहली बार में ही 4-5 हजार रुपए का खर्चा हो गया और एक व्यक्ति की यस थी। सोचो, हरियाणा से धनबाद जाना केवल एक व्यक्ति के लिए, कुछ तो लगा ही होगा। क्या आपके अंदर इतना पागलपन है, मैडनेस है? यदि हम उस दिन कैलकुलेशन कर लेते तो मन्नू जी आज की कैलकुलेशन कौन करता? हमें उस दिन आज दिखाई दे रहा था और आज हमें 2025 2030 दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि हमें पता है कि ये बिजनेस में भविष्य में बहुत कुछ आने वाला है। आज यदि आज अपने बच्चों पे आप कितना लगा रहे हो, आप सोच के देखो। यदि गणित लगाने बैठोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वो 10 साल बाद 20 साल बाद हमें कमा के देगा, हमारा लालन पोषण करेगा, पर क्या गारंटी है? पर यहां यदि आप बिजनेस को ढंग से करना सीख गए, मेहनत आज कर ली, तो 2025 के बाद बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। हमारे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। सास भी कभी बहू थी, समझिए आप। थोड़ा आगे चलता हूं। कारण नंबर 12, वो हमेशा नई कंपनी की तलाश में रहते हैं। आहा, कितना बढ़िया पॉइंट है। हम तो जब से जुड़े थे डॉक्टर साहब, तब से आरसीएम में हैं, और हमें एक बात समझ में आई, इसके प्रोडक्ट अच्छे, इसकी अपलाइन अच्छी, इसके कंपनी बढ़िया, इसके मालिक बढ़िया, और कंपनी हमें कह रही है आप भी मालिक हो, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इतने सुंदर विचार हैं, हमारे जो आदरणीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी हैं, इतने सुंदर विचार, मन को मोह गए सर, क्योंकि सत्संगी परिवार से बिलोंग करते थे, तो उनको देख के ऐसा लगा कि यार ये तो बिजनेस नहीं सत्संगी है, इतना बढ़िया काम। और कुछ लोग दिल से नहीं दिमाग से करते हैं आरसीएम, इसलिए फेल हो जाते हैं। दोस्त, आरसीएम को अपने अंदर आने तो दो, ये केवल प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, किसी के जीवन में रंग भरना, इससे सुंदर काम हमारे जीवन में क्या हो सकता है, इससे सुंदर हमारे जीवन में क्या काम हो सकता है। आगे चलता हूं क्योंकि बातें बहुत है। वो टेक्निकल जानकारी में यकीन ही नहीं करते, वो तो बस कि ट्रेनिंग में खर्चा होगा, केवल लोगों को जोड़ना है, उसमें लगे रहते हैं। अपनी परचेजिंग करी, सामान दे आए, उन्हें ट्रेनिंग से, टूल से, टेक्नोलॉजी से दूर बचते हैं, भागते हैं। अरे भैया,
अब जिसके पास ये नहीं है ना उसे अनाड़ी समझते हैं। अब टेक्नोलॉजी का टाइम है, आपको 2025 में व्यापार करना है ना कि 2000 सन 2000 में बिजनेस करना है। अब यूज करिए, सीखिए टेक्नोलॉजी को। यदि नहीं आती है, आप टेक फ्री नहीं है, आप आपको टेक्नोलॉजी से काम करना अच्छा नहीं लगता, तो आपको बहुत समय लगने वाला है। देखो ना, टेक्नोलॉजी है तो हम जूम पे अटैच हो पा रहे हैं, कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का है, तो टेक्नोलॉजी तो काम आएगी दोस्त। आप सोचिए, आपकी टीम से कितने लोग आज की मीटिंग में हैं? आज अच्छी बात चल रही है, आज पहले ही माइंड सेटअप है कि ये ट्रेनिंग देनी है, पर आज जो लोग नहीं है, जिनकी टीम से लोग नहीं है, उनका मैं थोड़ी कुछ बिगाड़ सकता हूं, क्योंकि अब ये तो फ्री में हो रही है, इसमें लोग नहीं आ रहे, तो भैया पैसे वाली में तो लोग कैलकुलेशन करेंगे। लीडर नहीं आ रहे तो उनकी टीम कैसे आए, और जब उनकी टीम नहीं आएगी तो भैया वही बिजनेस रहने वाला है जो पहले था। थोड़ा आगे चलता हूं दोस्त। वो जरूर से ज्यादा वादे कर देते हैं तुम, वो करते हैं, जहां जहां तुम्हारा पसीना बहेगा वहां मैं खून बहा दूंगा, मैं तुम्हें अभी 10 जनी देता हूं, आपको जितना जब समय चाहिए रात को 12 बजे पूरे भारत में याद कर लेना, मैं तैयार हूं। उसके बाद कई बार चाहे वो जाने अनजाने फोन नहीं उठता, तो फिर लोगों को दुख होता है, यार इसने तो ये वादा किया था। तो लिमिट में वादे करें, लिमिट में करें, वो आपको जेब के लिए भी अच्छा है और सेहत के लिए भी अच्छा है। हमने प्रयास किया कि अपना लिमिट में वादे करें। मैं यदि इंगेज था कहीं किसी काम में पिछले 10 दिन से, तो मीटिंग की ही नहीं गई। जैसे ही मैं आया, मैं तैयार हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं, मुझे पता है मीटिंग मुझे ही करनी है, आई एम रेडी, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा काम है, मुझे करना है। तो आपसे भी ये निवेदन करूंगा, आप आ जाइए फ्रंट सीट पे, मिलके काम करते हैं, क्योंकि 2023 को अपनी जिंदगी का बेस्ट साल बनाना है। बहुत मेहनत करनी है, बहुत सारे लोगों को उम्मीद है हमसे, उन पे खरा उतरना है। थोड़ा आगे चलता हूं, कारण नंबर 15। मुकेश जी, यहां तक ट्रेनिंग सही चल रही है? थोड़ा फीडबैक ले लेता हूं मुकेश जी। सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। चलो मैं थोड़ा आगे चलता हूं। वो अफवाहों पर ध्यान देते हैं, यार वो अपलाइन क्या कर रहा है, अरे भैया उसकी भी अपलाइन है, आप जानकारी से कंफर्म कर दीजिए। अधूरी अफवाह यदि किसी के बारे में आप उड़ाएंगे तो फिर आपके बिजनेस का नुकसान है। कोई ऑफर आया या कुछ ऐसी कोई मतलब आपका कुछ है, तो उसे अपनी अपलाइन, जो भी एक्टिव इफेक्टिव, जो भी अपलाइन जिसे आप मानते हो, उससे भी कंफर्म कर लीजिए। अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। कई बार क्या है, अपना वो रेस वाला वो होता है ना, उसको ऐसे लगा होता है सर। तो आप भी बिजनेस पे ध्यान दो, टर्नओवर पे ध्यान दो, पैसा उसी से आना है। वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, यदि इन्हीं चीजों में लगे रहोगे तो बजाय आपका काम बढ़ने के टेंशन हो जाएगी, और टेंशन 10 बच्चों के बराबर है, और बड़ी नई बीमारी है। अफवाहों में लगे रहते हैं कुछ लोग, तुझे पता है ये, तुझे पता है वो, उन चीजों से बाहर निकलो दोस्त। बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने आए हैं ना, तो कोई भी जानकारी अपनी अपलाइन से कंफर्म नहीं करते, अफवाहों पे ध्यान दे देते हैं और वहीं डेड हो जाते हैं, वहीं हो जाता है श्री श्री 1008 श्री शहीद, बस फिर वो कभी फोन नहीं उठता। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, किसी के बारे में, बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। आरसीएम से बहुत सारे लोग बोलते हैं आरसीएम से अच्छी है, हम पैसा कमाने तो आए थे डायरेक्ट सेलिंग में। मेरे दोस्त इस बात को समझो, आपका जो विश्वास है, आपका जो फेस है, वो दोबारा लोगों पे जमाना आसान बात नहीं है। अपनी अप्लाइंस जो आपको मिली है, इतनी अच्छी अप्लाइंस है, किस किस का नाम लूं मैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं आज, वो बेचारे भगवान ने मिलाए हैं, तो मिलके करते हैं ना। क्या हम यहाँ प्लॉट काटने थोड़ी आए, एक दूसरे से दुश्मनी लगाने या वो ये वो, ये तो बाहर ही बहुत है टेंशन, यहाँ खुल के करते हैं, खुश होके, खुशनुमा मिजाज में। थोड़ा आगे चलता हूं, कारण नंबर 16। वो अपनी एक्टिव अपलाइन की सलाह को ही नहीं मानते। एक्टिव अपलाइन, इसमें दो शब्द हैं, एक्टिव अपलाइन। अब एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग, फिर आपको कामयाब करने के लिए इच्छुक उस अपलाइन की बात मानो। अब आपने एक्टिव देख लिया कोई अपलाइन, मान लो वत्स साहब है, इफेक्टिव भी है, ग्रोइंग भी है, पर अब वो आपको डायरेक्ट थोड़ी काउंसलिंग दे सकते हैं, तो उनके साथ आप ने टर्म्स अच्छे रखने हैं, और वो खुद भी सिस्टम फॉलो कर रहा हो, ये भी देखिए। आज टाइगर टीम इंडिया में टॉप लीडर्स हैं, वो आपकी कामयाबी के लिए हमेशा तत्पर हैं, वो ट्रेनिंग उनकी कोई मत छोड़ो,
उनसे सलाह लीजिए, बातचीत कीजिए, वो आपको मास्टरमाइंड के ग्रुप है उसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, आज वो ऐसे लेवल पे आ चुके हैं, न्यूट्रल हो चुके हैं, उनके वो नहीं है उनके अंदर के ये मेरी टीम, मेरा ग्रुप, मेरा रॉयल्टी अचीवर, मेरा फलाना, उनसे ऊपर आ गए। तो ऐसे ही हमारे कोर लीडर हैं, तो एक्टिव अपलाइन के टच में रहिए, उनकी सलाह से काम कीजिए यदि कामयाब होना है। यदि उनकी सलाह से रडार से निकल गया कोई जहाज तो वो कहां पहुंचेगा, उसका भगवान मालिक है, उसे कोई पहुंचाने वाला नहीं है। जगदीश कबीरा आज भी रडार में है और हमेशा रहेगा, ये मैंने अपने आप से वादा किया है। अब अपना अपना आप चेक करो, क्योंकि मैं फेल नहीं होना चाहता। बस थोड़ा आगे चलता हूं, कारण नंबर 17, वो रॉयल्टी स्कूल या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में खुद नहीं आते और ये उम्मीद करते हैं उनकी टीम आ जाए, अपलाइन चला जाए, वो बता दे। तो आपके एरिया में जो भी मंथली ट्रेनिंग, बिग इवेंट्स होते हैं या बड़ी अपलाइन के कोई भी प्रोग्राम होते हैं, काउंसलिंग से बचते हैं, तो वो लोग नए नए बहाने ढूंढते हैं, और बहाने कैसे हो सकते हैं, बस पूछो मत। तो मैं तो आपसे यही उम्मीद करूंगा, यहां कोई ऐसा नहीं बैठा जो फेल होगा। बस चलिए आगे चलता हूं, कारण नंबर 18, वो खुद डायमंड क्लब या प्री डायमंड क्लब नहीं करते। कितनी बढ़िया बात है, वो खुद के टर्नओवर पे यकीन ही नहीं करते, वो खुद आपसे सोचिए, सेल्फ आईडी का मतलब है आपकी खुद की दुकान, और खुद की दुकान का टर्नओवर चेक कर लो, पता चल जाएगा बिजनेस कितना चल रहा है। तो डिस्प्ले वॉल की ताकत को समझिए, इसे कमता को एनी टाइम आप बिलिंग कर सकते हो, कितनी बड़ी ताकत है। पहले हमें पीयूसी होल्डर्स पे डिपेंड होना पड़ता था बिलिंग के लिए, कि वो ही बिलिंग काट सकते हैं, अब डिस्प्ले वॉल हमने ली है तो हमारे पास ये ताकत है कि हम अभी भी रात को 9 बजे, 10 बजे, सुबह 4 बजे बिलिंग कर सकते हैं। तो इसके टर्नओवर की वैल्यू को समझो। चलता हूं कारण नंबर 19, बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं, वो खुद प्लान देना नहीं सीखते। भैया कितना बड़ा पॉइंट है, मेरा बिजनेस जब तक नहीं चला था, जब तक जगदीश कबीरा ने प्लान देना खुद ने नहीं सीखा था, मैं हमेशा अपने अपलाइन का इंतजार करता था, सुनील शर्मा जी आएंगे, वही प्लान दिखाएंगे, वही मेरा बिजनेस बढ़ाएंगे, वही ज्वाइनिंग चढ़ाएंगे। अब बताओ फिर कैसे, और सुनील सर के पास जैसे जैसे टीम बढ़ी, शुरुआत में तो सर टाइम देते थे, पर जैसे जैसे उनका टीम बढ़ी, उनके टीम में लोग आने चालू हुए, तो आप सोच के देखो कि मुसीबत किसके लिए आने वाली थी, जगदीश कबीरा के लिए। तो मैंने क्या किया, मेरे प्लान ने उस समय सबसे अच्छा काम किया, मुझे प्लान देना सिखा दिया, और प्लान देना सीख गया तो फिर मैंने बोला सारा प्लान मैं दिखाऊंगा, वो स्थितियां ऐसी बनी मुझे दिखाना पड़ा, और फिर करते 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 वो दिन है, और आज का दिन है, मैं खुद ही अपना प्लान दिखाता हूं। क्या आप अपना प्लान खुद दिखाते हैं, आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो खुद प्लान देना आपने सिखाया है उनको, और यदि उन्होंने नहीं सिखाया तो वे आपके इंतजार में हैं, और ना ही उनकी टीम में प्लान दिखाने वालों की टीम तैयार है। हमारा यहाँ, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमें प्लान दिखाने वालों की टीम तैयार करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट का प्लान हो, चाहे वो मार्केटिंग प्लान हो, दोनों ही प्लान दिखाने वाले, प्रोडक्ट का भी प्लान होता है और मार्केटिंग का भी प्लान होता है, दोनों प्लान दिखाने, जिसकी टीम में ज्यादा होंगे उसी का बिजनेस ज्यादा बड़ा होगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाई आपके पास 5 किलो पनीर है तो उसी हिसाब से सब्जी बनेगी, आपके पास अगर 25 किलो है तो उस हिसाब से सब्जी बनेगी, उसी हिसाब से बड़ा बर्तन भी चाहिए, बड़ी भट्टी भी चाहिए, तो अब आपके ऊपर है भाई कितना बड़ा करना है। आगे चलता हूं कारण नंबर 20, बहुत बढ़िया, लेवल के हिसाब से बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है। आज मेरी इन्वेस्टमेंट अलग है और मैं करने का प्रयास करता हूं कि भाई मैं अपने लेवल पे वो इन्वेस्टमेंट मैं कर पाऊं, क्योंकि भगवान देख रहा है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, भगवान देख रहा है, और वो उसे करने के लिए तैयार नहीं रहते, इसलिए बिजनेस में ग्रोथ नहीं आती। कई बार टीम को ले जाना पड़ता है, कई बार अपना पॉकेट से भी कई बार लंच ब्रेकफास्ट कराना पड़ जाता है, कई बार टिकट भी लेनी पड़ जाती है, बस वो इस चीज के लिए तैयार ही नहीं रहते, वो तो ये सोचते हैं टीम अपने आप कर ले, पर कई बार ये करना पड़ता है। आप भी समझदार हो, जो मैं कहना चाह रहा हूं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट करना है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा किसी को गोद ले लो और उसकी टिकट ही आप सब काम आप करो, नहीं, मैं बोल रहा हूं टूल्स, कुछ लोग तो टूल्स भी ऐसे लेते हैं कि मैंने 2 मैगजीन ले तो लीजी, मैंने 5 मैगजीन ले तो लीजी, और उन बातों को 5 महीने हो गए और 5 महीने से कोई मैगजीन नहीं, इसका मतलब क्या है, उनकी टीम में कोई ज्वाइनिंग ही नहीं हुई। टूल्स लेने से बचते हैं, ट्रेनिंग, कोई रॉयल्टी स्कूल है, कोई मिशन टेक्निकल है, कोई आजादी की उड़ान है, या कोई भी ट्रेनिंग, टीम बिल्डिंग, देखो सर एक्सपेंस लगता है, आउट ऑफ टाउन वर्किंग जब आप करोगे थोड़ा एक्सपेंस लगता है, क्यों, वहां तो चाय भी मोल की लेनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा पैसा तो लगेगा,
भैया घर से निकले ही क्यों हो जब आप 5 रुपए 10 रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो? अपने घर में मोहल्ले में बिजनेस करो, 1 रुपया नहीं लगेगा, पैदल चलो, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, ये भी सर्फ लगेगा तो वो भी मत पहनो। दोस्त, हर धंधा इन्वेस्टमेंट मानता है, हर बिजनेस। चाय वाला भी चाय का सामान लेके बैठता है पहले, तब जाके चाय बिकती है। पान वाला भी अपना जमा के बैठता है सब कुछ। एक कपड़े की दुकान वाला होगा आपके शहर में, वो कितने कपड़े लेके बैठता है, वो पूरा एक थान लेके बैठता है, तब जाके 10 मीटर कपड़ा उसमें से निकलता है, बिकता होगा। आप कितना लेके बैठे हो पता चलेगा। थोड़ा आगे चलता हूं, अपने बिजनेस को अपने अपलायंस से काउंसलिंग करिएगा कि सर ने ये पॉइंट जो लिया है इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या क्या करना है, आपकी अपलायंस को पता है, उनसे डिस्कस कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर है हमारे बीच में। चलिए मैं आगे चलता हूँ, लास्ट पॉइंट है कारण नंबर 21 और बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। छोटी सी कामयाबी मिलते ही स्टाइल, सेल्फ स्टाइल की वर्किंग शुरू कर देते हैं, बड़ी कामयाबी मिल नहीं पाती। माई स्टाइल वर्सेस सिस्टम स्टाइल, तो प्लीज, माइंड हैज नो माइंड, दिमाग के दिमाग नहीं होता। आप इसे सिस्टम ड्राइवन रखिए, सिस्टम चला रहा होगा तो आपका ड्राइविंग आसान होगा, और आप खुद का ही दिमाग लगाएंगे तो फिर सब लोग लगाएंगे, क्योंकि जैसे कोको वैसे बच्चे, और आप भी लगा रहे हो, आपकी टीम भी लगा रही है, फिर वो सब एक दूसरे के प्रति ऐसा ही होगा। सिस्टम को चलने दीजिए। हमने बहुत सारे मिशन रॉयल्टीज, मिशन टेक्निकल्स, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, करते 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 सीखा, और उनके अनुभव के आधार पर हम कुछ चीज लेके आते हैं। आज भी जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना, मैंने पूरे 2 ढाई 3 घंटे लगाए इस ट्रेनिंग को तैयार करने में, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं आपके साथ, मेहनत करता हूं, शायद इसीलिए ये पॉइंट टू पॉइंट बात कर पा रहा हूं, क्योंकि ये सिस्टम की बातें हैं, सभी पे लागू होती है, कॉमन बातें हैं। थोड़ा आगे चलता हूं, वीकली, अब हम वीकली सेशन का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। एक एक जो टेक्निकल है, एमराल्ड्स हैं, उनकी छोटी छोटी ट्रेनिंग 10 10 15 मिनट की लेंगे, पर आप सबसे सीखें, आप सबसे सीखें, उससे पहले आप अपनी टीम को अटैच तो कर दो, इस प्लगइन तो करो इस सिस्टम के साथ। चलो आगे चलता हूं सर। चेक यूर सेल्फ, अपने आप को चेक कीजिए, आपकी अलमारी में क्या रखा है, हेलो, आपकी अलमारी में क्या रखा है, चेक कीजिए, कहीं आप तो ये गलतियां नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं तो कहीं आपकी टीम से तो ये गलतियां नहीं कर रहे, इसीलिए टीम को लाइए, और क्योंकि हम एक दूसरे की जीत के लिए काम करेंगे और सब लोग आगे बढ़ेंगे।